आशु राजपाल जी, आप पर ब्लेम है कि आपने गुरु तेग बहादुर द्वारका बनने से रोका और ठेकेदार के साथ मारपीट की थी। देखो जी, ये तो बिल्कुल गलत बात है। हम और हमारा पूरा परिवार गुरु घर से जुड़ा हुआ है। मुझे गुरु तेग बहादुर द्वार बनने से कोई आपत्ति नहीं है। उससे हमारी बाजार का नाम भी रोशन होगा और गुरु के घर से हमारा व्यापार और कारोबार भी बढ़ेगा। मुझे सब दिक्कत थी तो एक बात थी की थी कि मैंने कहा था एक बल्ली हटा दो जिससे स्कूटी और बाइक निकल जाए ताकि बाजार का जितने दिनों लेंटर लुकेगा उसका आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। और बाकी रह गई ठेकेदार की मारने की बात। मारना तो बहुत दूर की बात, उसको हाथ तक भी टच नहीं किया। उसने मेरे खिलाफ कैंप थाने में भी लिख के दिया कि मैंने उसको मारा, उसकी लेबर को मारा है। ठेकेदार के पास मैंने ठेकेदार की अपने फोन में रिकॉर्डिंग भी कर रखी है। ना तो मैंने उसको हाथ लगाया, ना मैंने उसको मारा, ना मैंने उससे गाली गलौज करी। अब वो ठेकेदार मेरे से पता नहीं पर्सनल दुश्मनी क्या पाल रहा है या किसी के कहने पे मेरे साथ ऐसा कर रहा है, उसकी मुझे जानकारी है नहीं। मैं ठोक बजा के कह सकता हूँ, ना तो मैंने ठेकेदार को मारा, ना मैंने उसकी लेबर को मारा। ठेकेदार से मैंने ये कहा तो एक बल्ली हटा दे ताकि स्कूटर बाइक आराम से निकल जाए। और गुरु का घर है, गुरु के घर का द्वार बनने से उल्टा हमारे बाजार का और चार कारोबार और बढ़ेगा। आपको बुलाते भी रहते मौके पर, आप तब भी नहीं आए थे। हाँ, मैं ऐसा था जी, उस टाइम मेरे पिताजी बीमार थे, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, इसलिए मैं उनसे नहीं मिल पाया। उसके बाद मैं सारे समाज से बैठ के मिला। परसों पूर्णमासी थी, मैं गुरुद्वारे गया, वहां भी बैठ के मैंने बात की। उस दिन जिस दिन आपको बार बार बुला रहे थे, जिस दिन की वारदात है, रात को आप गए थे वहां पर 10:30 बजे? हाँ, रात को भी मैं गया था। मैं रात को भी एक बात कही थी, मैंने कि गुरु का द्वार बन रहा है, इससे हमारे कैंप मार्केट से बड़ा कुछ सौभाग्य हो ही नहीं सकता। गुरु का द्वार बनना चाहिए। मुझे गुरु तेग बहादुर द्वार बनने से कोई आपत्ति नहीं, उल्टा मेरे बाजार में खुशहाली आएगी, बाजार का कारोबार बढ़ेगा। और मैंने तो ये कहा कि इसको बिल्कुल उल्टा गोल्डन से लिखवा ऊपर और 24 में लाइटें भी लगवा जो दूर से ही चमके गुरु तेग बहादुर द्वार। तब मौके पर आपको पार्षद पति रिंकू ने भी कुछ कहा था? देखो, अब ये उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कहा सुनी हो भी जाती है, कुछ उन्होंने कह दिया, कुछ हमने कह दिया, ये तो चलो आवागमन वाली बात है, हो जाती है, इससे कोई बात नहीं। आप कह रहे हो कि मेरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास उसके ठेकेदार की? हाँ, मैंने विजयपाल इस केस को हैंडल कर रहे थे, श्री विजयपाल एएसआई साहब, मैंने विजयपाल एएसआई से कहा कि आप ठेकेदार को बुलाओ मौके पे, अगर मैंने उसको मारा है, मैंने उससे झगड़ा किया, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, आप पहले इसकी रिकॉर्डिंग सुन लो बस। रिकॉर्डिंग में क्या? रिकॉर्डिंग में यह था कि उसने ठेकेदार ने स्वयं नगर परिषद में चेयरमैन साहब और वाइस चेयरमैन साहब को कहा है कि आशु राजपाल ने मुझे नहीं मारा, ना मेरी लेबर को मारा। उसने ये कहा कि बल्ली हटा दो ताकि आवागमन में दिक्कत हो। चेयरमैन साहब को भी बोला, एमसी पलवल और वाइस चेयरमैन साहब को भी बोला। कुछ ठेकेदार और किसी और की बातचीत को भी सबने सुना है? देखो, अब इसमें मैं आपको क्या बताऊं, हो सकता है कि कोई इसमें अपनी राजनीति भी कर रहा हो, लेकिन हम तो एक बात कहेंगे कि हमारा बाजार इसमें बहुत अच्छा चमकेगा गुरु तेग बहादुर द्वार से। पार्षद संजय छाबड़ा, पूर्व पार्षद संजय छाबड़ा ने भी ब्लेम लगाए थे आपके ऊपर। किस चीज का ब्लेम लगाया था? यही है कि शटरिंग को नहीं तोड़ना चाहिए था। नहीं, मैंने सेटिंग नहीं तोड़ी, सेटिंग तोड़ना और एक बल्ली को हटाना, इतना कहा था कि इस एक बल्ली को हटा दे उससे हमारा स्कूटी निकल जाए, इतनी सी बात थी। इस बात को उन्होंने इसको लंबा क्यों बनाया, कैसे बनाया, ये भगवान जाने। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है कि बिजली का छापा पड़वाया आपने इनके विनोद कुल्फी पर? नहीं, मैं क्यों छापा पड़वाऊंगा जी, बहुत जोर शोर से चर्चा चली, चर्चा आपने भी सुनी होगी। देखो, मैंने भी इस बात को सुना, अब मेरे यहाँ छापा पड़ता मैं भी कहता, पक्ष विपक्ष तो चलता ही रहता है, अगर विपक्ष नहीं होगा तो सरकारें कैसे चलेंगी, विपक्ष होगा तभी तो सामने वाला कैंडिडेट या मैं मजबूत रहूंगा। अब मेरे यहाँ कुछ ऐसा हो तो मैं कहता जी उसने करवाया, ये तो बेकार की बात है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा जी। कैसा काम चल रहा होगा वार्ड का? देखो, मैं तो एक दिन पहले भी आपसे इस वार्तालाप की थी, जैसी मैं चुनाव हारा, और मैं हारा नहीं, कैंप के ने बहुत आशीर्वाद मुझे दिया, पहली बार मैं चुनाव लड़ा, इतना मुझे आशीर्वाद दिया, मेरा पूरा राजपाल परिवार, अगर वार्ड का कोई सदस्य ये कहेगा ना कि आधी रात को 2 बजे भी वहां खड़ा होना है, वार्ड और जॉनगर कैंप मार्केट का, आशु राजपाल रात को 2 बजे भी वार्ड और बाजार के लिए वहां खड़ा होगा जो मुझे बुलाएगा। और मैं, और दूसरी बात आपको बताऊं कि चुनाव में हारा नहीं हूं, चुनाव में जीता हूं, मैं आपको जीता, अपने आपको जीता हुआ कैंडिडेट मानता हूं। इतना भरपूर लोगों ने मुझे सहयोग दिया, मुझे आशीर्वाद दिया, 1892 वोट मुझे दी, और पहले से भी ज्यादा काम मैं कर रहा हूं, और अगला चुनाव हम कम से कम 2000 वोटों से जीत के आएंगे। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है कि आप मार्केट के प्रधान होने के नाते लोग बताते हैं जैसे कि आप अक्सर रात को ताले चेक कर रहे होते हैं? हाँ भाई साहब, देखो 400 आदमी की बाजार है, अभी बीच में धुंध भी थी, ठंड भी थी, तो इसमें देखो जो मेरा बाजार, मेरा परिवार, मेरे बाजार का एक एक सदस्य मेरे परिवार का सदस्य है, जो दायित्व तो मुझे बाजार ने 2019 से दिया है उसको ईमानदारी से निभा रहा हूँ, आगे भी निभाऊंगा। अपने बच्चों को लेके भी रात को मैं 2-2 बजे तक ताले चेक करता हूँ, और 3 सिक्योरिटी गार्ड हमारे पास हैं,
और उनके साथ मिलके ताकि कोई घटना ना घटे। किसी प्रकार का मेरे किसी व्यापारी के डेढ़ डेढ़ दो दो करोड़ की दुकान है, उसमें 20-20 लाख रुपए का सामान भरा हुआ है, ऐसा कुछ ना हो। और प्रतिदिन परमात्मा से भी प्रार्थना करता हूँ कि सबकी दुकानें अच्छी चलें, सबका कारोबार अच्छा चले। और आज तक 19 से 24 के मेरे कार्यकाल का 5 साल हो गए, आज तक कोई ऐसी घटना घटी नहीं। परमात्मा चाहेगा आगे भी कैंप में ऐसी कोई नुकसान नहीं हो। आपकी मार्केट में कई दुकानें ऐसी हैं जो खाद्य की दुकानें हैं लेकिन फूड लाइसेंस नहीं है? हाँ, नहीं नहीं, फूड लाइसेंस मेरे पास बन के आ चुके हैं सरकारी हॉस्पिटल पलवल से। रविवार को फूड लाइसेंस, अभी मैं फूड के ऑफिसर भी मेरी दुकान पे आए हुए हैं। मेरे पास लगभग कैंप मार्केट के 70 फूड लाइसेंस बन के आ चुके हैं। रविवार को हम आपको भी निवेदन करेंगे कि रेस्ट हाउस पलवल में उसके पलवल के डीओ पृथ्वी सिंह जी और डॉक्टर सचिन शर्मा फूड इंस्पेक्टर आ रहे हैं, उसको हम सब दुकानदारों को वितरित करवाएंगे। इसके में हमारे और भी कई भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आ रहे हैं, तो ये हम फूड लाइसेंस वितरित कराएंगे। उसके बाद मैंने अब पलवल से उस बामनी खेड़ा तक जितने भी होटल हैं उनका भी काम शुरू करवा दिया है फूड इंस्पेक्टर जी से कह के, इसका भी काम जल्दी शुरू होने जा रहा है। कैंप मार्केट को स्वच्छता लाने के लिए आपने प्रयास किए थे डस्टबिन के? हाँ जी, डस्टबिन रखवाए थे, लेकिन उसमें कूड़ा करकट डस्टबिन में रखा जा रहा है या डस्टबिन कहीं और चले गए? नहीं देखो, डस्टबिन सुबह शाम एमसी पलवल की गाड़ी आती है और दो बार हमारे सौभाग्य जवाहर नगर कैंप मार्केट का कि दो बार गाड़ी आ रही है, दोनों बार कूड़ा लेके जाती है वो। और अर्जेंट में हमने जवाहर नगर कैंप मार्केट का अच्छे तरीके से शौचालय भी बनवाया है। अच्छा, जो काम पार्षद के वो पार्षद के काम आप कर रहे हो? मैंने आपसे एक बात की कि मैं अपने आप को जीता हुआ पार्षद मानता हूँ। जनता ने मुझे जवाहर नगर इतना प्यार दिया कि ये पार्षद क्या कर रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन जो जनता भगवान स्वरूप जवाहर नगर कैंप की जनता, मेरी मार्केट की जनता मेरे भगवान स्वरूप मेरे पिता तुल्य जो मुझे जिम्मेवारी देती है, जो भी मुझे ड्यूटी लगाती है मैं उसको निभाता हूँ। पार्षद क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो जाने, उसका काम जाने। आपकी जो मार्केट कमेटी का जो चुनाव होता है कब होता है वो? देखो, अब 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, जो बाजार ड्यूटी लगाएगी जैसे बाजार चाहेगी वैसे ही होगा जी। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल पूरा नाम है, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।